हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे हक्का नूडल बिल्कुल ही सिंपल तरीके से, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलो फिर बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने वेज हक्का नूडल्स लिया है और मैंने इसके लिए कुछ सब्जियां काट करके रख ली हैं। मैं इसे गर्म पानी में उबाल लेती हूँ और ये 3 से 4 मिनट में ही उबल करके तैयार हो जाता है। इसको बस चम्मच से हल्का सा हिलाना है और थोड़ा नमक डाल लें स्वाद के अनुसार। ये उबल करके रेडी है, इसको मैं छान लेती हूँ और ठंडे पानी से धुल लेंगे जिससे कि ये आपस में चिपके नहीं। अब एक प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ा सा मैं कुकिंग ऑयल लगा लेती हूँ, इससे आपस में चिपकेंगे नहीं और एकदम से खिले खिले बनेंगे। मैं रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ और इसमें मैं लहसुन प्याज डाल करके फ्राई कर लेती हूँ, और हल्का ही फ्राई करना है हमें, ज़्यादा कलर डार्क नहीं करना है। अब इसमें मैं बीन्स डाल लेती हूँ, ये सब्ज़ी मैंने पहले ही काट के रख ली थी, गाजर और शिमला मिर्च। अगर आपके पास और भी कोई सब्ज़ी अवेलेबल है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा नमक और लाल मिर्च पाउडर डाल के इसको पका लेंगे, और थोड़ा पत्ता गोभी भी डाल रही हूँ। इन्हें हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये हल्का सा सॉफ्ट ना हो जाए सब्ज़ी पक करके। आप देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी पक चुकी है। अब इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे। टमाटर बाद में इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि टमाटर जल्दी गल जाते हैं। इसमें मैं थोड़ा चीज़ डाल रही हूँ, जो अमूल की चीज़ आती है। इससे क्या होगा, आपको एकदम से अच्छा वाला टेस्ट मिलेगा, एकदम से रिच टेस्ट आएगा। आप इसमें कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास है तो, अगर नहीं है तो आप स्किप कर दें। अब इसमें हमने जो हक्का नूडल्स बॉईल किए थे वो ऐड कर लेंगे। इसमें थोड़ी मैं सॉस डाल रही हूँ और विनेगर, नमक, हक्का मसाला, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें सोया सॉस और चिली सॉस दोनों ऐड की हैं, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और 1 मिनट तक मिलाते हुए इसको पका लेंगे। हमारे हक्का नूडल्स बनकर के बिल्कुल रेडी हैं और ये बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप इसमें लास्ट में चिली फ्लेक्स ऐड कर दें, इससे थोड़ा स्पाइसी बनेगा। अगर आप स्पाइसी पसंद नहीं करते हैं तो चिली फ्लेक्स को स्किप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हक्का नूडल्स कितने अच्छे से बने हैं और ये बहुत ही टेस्टी बने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी याद से प्रेस कर लें जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।